नमस्कार, मैं अजीत कुमार। आज नोएडा के सेक्टर 23 स्टेडियम के 4 नंबर गेट के पास ये एक सवालों की हड़ताल है। इनकी क्या क्या मांग है प्रशासन से, जानते हैं इस बारे में। देखो जी, हमारे रिक्शे का सीट किया जा रहा है, खाली को उसमें 150 सीट किया गया और 10,000 रुपये गरीब इंसानों से चालान काट के नोएडा के लिए और लाइसेंस के लिए हम कई बार डिमांड कर चुके हैं। लाइसेंस हमारी रही है ना, सीरियल नंबर हमारी डिमांड है, सीरियल नंबर दे दिया जाए। सीरियल नंबर नहीं देते ही हमें कुछ भी नहीं, क्या रिक्शे वाले उठा के बंद कर रही है। अरे हर चौराहे पे भी आपको परेशान किया जा रहा है। हर चौराहे पे हमें उठा स्टैंड भी चाहिए, हमारे स्टैंड की मांग भी है। स्टैंड आपको दिया नहीं जा रहा? नहीं दिया जा रहा, स्टैंड नहीं दिया जा रहा। ऑटो स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड है, ई रिक्शा स्टैंड नहीं दिया जा रहा, कहीं नहीं दिया जा रहा, कहीं नहीं दिया जा रहा। अभी हर जगह बात करके देख ली हमने, लास्ट में फिर आज हम इकट्ठा होकर सिटी में विज्ञापन देंगे, हमारी मांग मानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे। हाँ, सबसे बात आई टी वाले कह रहे हैं जी ये सब बंद होंगे, अवैध रिक्शा है, ये रिक्शा रजिस्ट्रेशन नहीं है इनका। रजिस्ट्रेशन आपने करवाया नहीं सर, ये कोई प्रक्रिया ही नहीं है ऐसी। इनका कोई प्रक्रिया ही नहीं है। दुकान वालों ने रिक्शा 50-50, 60-60 हज़ार रुपये रिक्शा भेज दिए। ये इनके खिलाफ इससे पहले भी कंप्लेन कर चुके दुकानदार के खिलाफ, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। जब रिक्शा वाले रिक्शा खरीद के ले आए तो अब इनका रिक्शा बंद किया जा रहा है। बेचारे रिक्शा 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार खरीद के ब्याज पे ला के काम कर रहे हैं, ये इनका रिक्शा बंद कर 10-10 हज़ार चालान काट रहे हैं और इनके लाइसेंस के लिए कैंप लगवाया जाए। आपने लिखित कार्रवाई कुछ करी है अब तक? इससे पहले हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिए थे, 2017 में दिए थे। डीएम साहब को दिए, हर जगह दे रखे हैं। माइक अलग रोक दे, दो मिनट बाद में रोक ले इसको। वैसे इसमें एक और चीज है, इसका कुछ तो समाधान निकाला जाए। आखिर ये कब तक चलेगा? माइक को बंद कर दे, इसको लेके दुखी रहता है, यूनियन भी दुखी रहती है। आप कब रिक्शा रहे हैं? हाँ जी, तो इसके लिए कुछ तो ऐसा समाधान निकाला जाए एक बार। डिस्कशन तो हो इसका, कुछ कुछ होता ही नहीं है, बीच में फिर हल्का हो जाता है। सर एक कैंप लगना चाहिए लाइसेंस के लिए और सीरियल नंबर के लिए, है ना, जिससे कोई पुलिस वाला हमें कोई परेशान ना करे, ना कोई पुलिस वाले का कोई रोल हो, ठीक है। और एक स्टैंड लग जाए जिससे हमारे को कोई पुलिस वाले को हमें किसी को पैसा देने की जरूरत ना पड़े। आटे वाले आटे पकड़ के लेके जाते हैं, 10,000-5,000 लेते हैं, हम गरीब लोग कहाँ से लाएंगे, कर्जा वर्जा नहीं होता, डाके लगा देते हैं, वो गाड़ी बिल्कुल ही जो है क्रैश हो जाती है। बताइए सर, हम ब्याज पे ला करके पैसे लेकर के जो अपना और वो हमारे किसी काम नहीं हो रहा। पुलिस वाले चौक को हम लोग लगाते हैं, चाहे मेट्रो के नीचे आगे से जिप्सी घेर के तीनों टायर में सुबह मार देते हैं, एक नहीं दो दो सुबह मार देते हैं। ये ज्ञापन दिया, ये सिटी मजिस्ट्रेट विज्ञापन दिया था हमने, हमारी मांग नहीं मानी। इसका कोई समाधान ही नहीं निकालता तो ये कब तक इस तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे, कब तक चलती रहेगी? ये गरीब आदमी अपने पैसे किस तरह ब्याज पे या कर्ज लेके नहीं, ये रिक्शा ले लेते हैं, फिर इन पर रोजाना का ये मार हो रही है कि ये वसूली दें या चलान 10-10 हज़ार के। कोई इतनी बड़ा इतना छोटा सा पर्पज है, 10-10 हज़ार के 15-15 हज़ार के चलान बना, या तो सीज कर दिया जाए। चलान दिखा, चलान बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेके नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। जब ई रिक्शा चलान भरेगा 10,000 का तो बताइए क्या सहूलियत है प्रशासन की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से क्या सहूलियत है ये कि ये मजदूर अपने बच्चों की रोटी इकट्ठी करके नहीं और उसको 10,000 का चलान भर के आए फिर रोड पे आए, या तो ये रोड पे ना आए, ये रहा चलान, या तो प्रशासन इनको बिल्कुल भुतमार कर दे, खत्म कर दे इसको। अगर प्रशासन ने ये ठानी है कि शासन आदेश नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है इसके खिलाफ, तो लेकिन प्रशासन अगर इसको खत्म करना चाहता, नोएडा प्रशासन व्यवस्था नहीं कर सकता, अगर इसको खत्म करना चाहता तो खत्म कर दे। 10,000 हर महीने अगर गाड़ियां पकड़ी जाएंगी, 10,000 देगा तो क्या कमाएगा, भूखा मरेगा। इतना क्राइम हो जाएगा इस नोएडा के अंदर, अगर इनसे रिक्शा छीन लिया गया तो क्राइम ही होगा। कोई फैक्ट्रियों में नौकरी नहीं है, कोई सड़क पर ठेली नहीं है, कोई पकौड़े नहीं बेच सकता, ये कैसे शासन का प्रोग्राम है? दीजिए उसको, इसमें हमारी यही गुजारिश है। हमारा कहना है सर कि जब आपने हमको गाड़ी यानी कि दुकान पर अवेलेबल हुआ था तो उस समय हमें कोई इसकी पेपरे या वो कुछ नहीं मिला था, हम पैसा दिए गाड़ी लेकर के आए, मैं कोई चोरी करके तो पैसा लाया नहीं था, मेरी मेहनत की गाड़ी, मेहनत। मेरा नाम संजय सिंह है। आपका भी रिक्शा है जी?
मैं रिक्शा चला करके अपने बच्चों का जीवन यापन करता हूँ, लेकिन कभी कभी एक कुठारा घात होता है नोएडा प्रशासन के द्वारा कि कभी 10,500 का चालान हो जाता है। तो हम लोग सोचे कि अब इकट्ठा होना जरूरी है, इकट्ठा होकर के ही इसको संदेश देना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी ताकत को वो कमजोरी में समझ करके और हम जैसे आदमी को, गरीब आदमी को मजबूर कर करके सताया जा रहा था। देखिए सर, 9,050 रुपया हमने भरा है, जो कि उनको मैं बोला यहाँ मेरा रिक्शा लगता है और यहाँ से हम चलते हैं, माना कि हम पैदल जाना है और रॉन्ग साइड है अगर, तो क्या आप हमें पैदल जाने से रोक दोगे? वहाँ जाने का रास्ता अगर रॉन्ग साइड है तो हम कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे? और जब मैं वहाँ गया तो पुलिस वाला हमको पकड़ करके ले गया, चल चल चल। मैं बोला सर क्या हो गया गलती, चल पहले। और वहाँ गया कुछ नहीं, डीएल है नो सर, आरसी है नो सर, परमिट है नो सर, फिटनेस है नो सर। ये रिक्शा, इस रिक्शा का क्या परमिट हो सकता है? रिक्शा का सवारी आप यहाँ पर मिलोगे, हमको बोलोगे 18 ले चलोगे, हम बोलेंगे जी सर उधर का परमिट नहीं है, फिर आप कैसे जाओगे? 10 रुपया में हम पब्लिक का सेवा करते हैं, उसके बदले हम 10 रुपया लेते हैं, उसको एक जगह से दूसरे जगह पर पहुँचाते हैं। लेकिन उसके बाद एक तो पब्लिक का प्रेशर होता है कि हम 2 घंटा इंतजार करने के बाद भी चलते हैं तो पब्लिक बैठते ही कहता है, क्योंकि हमारी संख्याएं ज्यादा हो चुकी है, पब्लिक कहता है कि चलते ही बैठते ही चलो, जबकि वो शेयरिंग का पैसा देते हैं लेकिन रिजर्व वाली बातें करते हैं, वो मुझे बुरा लगता है। लेकिन चलो पब्लिक से हमें कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन ये रिक्शा के ये रोड में चलते हैं तो डर डर के चलते हैं। पारगिन वाला जो है जो अपना शमशेर अली अंसारी, पूरा नाम मेरा, पार्किंग के लिए क्या बता रहे हो? जो अपना डी पार्क में जो गाड़ी जो जाती है, जो चलान करके जो जाता है पार्किंग में जाती है, वहाँ पर 150 रुपया अलग जोड़ के देना पड़ता है, चाहे वो 2 घंटे हो चाहे वो 4 घंटा हो। पुलिस वाले बंद करते हैं, आरटीओ बंद। जो यहाँ से जो गाड़ी का जो चलान कर दिया गया, यहाँ से जो गाड़ी जो डी पार्क में जाती है खड़ा होता है, वहाँ जो खड़े होते हैं उसका चीज है, उसका चार्ज है 150 रुपए पर डे। ये भी बिल्कुल है, और आज तक 1,000 रिक्शे और आज नहीं है, 1,000 रिक्शे उसी के अंदर सड़ रहे हैं। उसी में सड़ रहा है और उसमें से पुलिस वाले काट काट के बेकवे से खा रहे हैं। और जिसके पास नहीं है वो कहाँ से लाए? किसी की बैटरी इसमें चेंज कर रखी है, किसी का कुछ भी निकाला, अच्छा अच्छा सामान उसमें से, रिक्शों में से। क्या नाम आपका? मेरा नाम अरविंद यादव। क्या बता रहा हूँ, क्या समझ? डी पार्क में रिक्शे खड़े हुए हैं, उसमें पकड़ पकड़ ले जाते हैं, 150 रुपये का चार्ज लगता है, उसमें अच्छा अच्छा सामान होता है, वो दूसरे रिक्शे वालों को बेच देते हैं, ये भी सामान भी नहीं हाथ आ रहा है पूरा। और प्रशासन की तरफ से कोई भी अवैध वसूली, हर जगह जहाँ जाओगे वहीं अवैध वसूली हो रही है। कैमरामैन अजमेर विशारद के साथ मैं अजीत कुमार।